हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, एनएपीएस स्कीम के अंडर में जब से डीबीटी लागू हुई है तब से मेरे पास कैंडिडेट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट के तो ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, हमारा कॉन्टैक्ट एनएपीएस कॉन्टैक्ट है या नॉन एनएपीएस कॉन्टैक्ट है, हमें यही पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप जिस कैंडिडेट ने करनी शुरू कर दी और कैंडिडेट को यही पता नहीं है कि कैंडिडेट का एनएपीएस का जो कॉन्टैक्ट है वो कैसा जनरेट हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट उसे एनएपीएस का लाभ दे रही है या नहीं दे रही है, ये चीज़ कैंडिडेट को पता होनी जरूरी है। क्योंकि इसी के आधार के ऊपर आपको ये डिपेंड करता है कि आपको जो स्टाइपेंड का पेमेंट मिल रहा है वो डीबीटी के थ्रू मिल रहा है या नॉन डीबीटी के थ्रू आपका पेमेंट आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो अप्रेंटिसशिप करने के चक्कर में अपना जो कॉन्टैक्ट इश्यू करती है एस्टैब्लिशमेंट, उसको पढ़ते ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट को तो यही पता नहीं है कि लॉगिन किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। इसी चक्कर में कैंडिडेट है उसके बाद में आगे चल के समस्याएं आती है। अब जिन कैंडिडेट के सबसे पहले तो ये मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि जिनका कॉन्टैक्ट एनएपीएस जनरेट हुआ है उन्हीं को डीबीटी का पेमेंट यहाँ पे मिलता है। नॉन एनएपीएस कॉन्टैक्ट जितने भी हैं उनको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं मिलता है, उनको एस्टेब्लिशमेंट ही सारा पेमेंट करती है। लेकिन आप जब तक इसका स्टेटस नहीं चेक करोगे आपको पता ही नहीं होगा कि आपका कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ है नहीं है, तब तक आप ये कमेंट्स है करते रहोगे कि मेरा पेमेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको पेमेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरा पेमेंट कर रही है, जो स्टाइपेंड का पेमेंट है उसके बाद में उनके आ रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है। मैंने एक दो कैंडिडेट की प्रोफाइल चेक भी किया तो मैंने वहाँ पे देखा कि एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरा पेमेंट उनको कर रही है, उसको उन लोगों का पैसा नहीं आएगा। तो 1500 रुपये जो आते हैं ना आपके पेमेंट से कट के ही आते हैं, ये नहीं कि आपको जो स्टाइपेंड दे रही है कंपनी उसके अलग आएंगे। जैसे किसी को 8000 रुपये स्टाइपेंड दे रहे हैं तो कंपनी फिर उसको 6500 रुपये ही पेड करेगी, 1500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पेड करेगी। ये नहीं कि आपको 9500 रुपये यहाँ पे मिलने हैं, 8000 कंपनी करेगी, 1500 रुपये अलग से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। नॉन एनएपीएस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में क्या होगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो 8000 रुपये पेड करती है वो पूरे आपको ही पेड करेगी। ये स्टाइपेंड के रेट है जो कि कंपनी अलग अलग करती है, तो मिनिमम स्टाइपेंड के रेट आई टी आई पास आउट कैंडिडेट के लिए वो 7000 है, 1700 एक साल के जिन्होंने आई टी आई करेगी उनको मिलता है, 8050 रुपये जिन्होंने 2 साल की आई टी आई करेगी उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे पेमेंट किया जाता है। लेकिन अपन आज इस मैटर पे ज्यादा डिस्कस नहीं करके जो मेन टॉपिक उस पर चलेंगे कि आप कैंडिडेट है वो एनएपीएस पोर्टल पे किस प्रकार से अपना जो कॉन्टैक्ट है उसका स्टेटस चेक कर सकता है। हालांकि दोस्तों मेरा सभी कैंडिडेट्स को यही सजेशन है कि जब भी वो किसी कंपनी में अप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसके बाद हर कंपनी है वो एनएपीएस पोर्टल के ऊपर उनका कॉन्टैक्ट इश्यू करती है। तो जब कॉन्टैक्ट इश्यू करती है तो कैंडिडेट को उसके ऊपर साइन करना जरूरी होते हैं, बिना साइन के कॉन्टैक्ट है वो अप्रूवल नहीं होता। यदि 14 दिन के अंदर अंदर कैंडिडेट उस पर साइन नहीं करता है तो कॉन्टैक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इसको ये मान लिया जाता है कि कैंडिडेट वहाँ पे करने का इश्यू नहीं, हालांकि दोबारा फिर वो कॉन्टैक्ट इश्यू कर सकते हैं। यदि कैंडिडेट उस पर साइन करता है तो उसका अप्रूवल में चले जाएगा, अन्यथा जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ से जो कैंसिल है वो कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि जब कैंडिडेट कॉन्टैक्ट में साइन करते हैं तो जल्दबाजी में साइन करते हैं, कैंडिडेट उसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉन्टैक्ट होता है उसमें सारी डिटेल्स आती है। आप कौन से कोर्स के लिए, आपको यहाँ पर कौन से ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप करवा रहे हैं, उसमें कितना स्टाइपेंड मिलेगा, आपकी ट्रेनिंग कब से होगी और कब तक रहेगी, इसके अंदर आपको स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा, क्या पूरी जानकारी उसको पूरी डिटेल्स होती है। लेकिन कैंडिडेट बिना सोचे समझे उसके ऊपर साइन कर देता है, उसके बाद में कैंडिडेट की इस प्रकार की समस्या आती है। बहुत सारे कैंडिडेट है फिर वो कहते हैं कि सर हमारे सेट नहीं हुआ, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है वैसी है, बीच में छोड़ने की भी सोचते हैं। तो ये चीज़ें आपको कॉन्टैक्ट साइन करने से पहले ही आपको सोचने जरूरी है। कॉन्टैक्ट साइन करने के लिए एनएपीएस पोर्टल में लॉगिन करना होता है, जो कि आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन होता है, तो उसमें आप करके आपका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और जब आप कॉन्टैक्ट में साइन करते हो तो उस समय डिटेल्स है उसको एक बार चेक कर लो, उसको वेरीफाई कर लो। कोई कन्फ्यूजन है तो आप एस्टेब्लिशमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें एस्टेब्लिशमेंट की सारी डिटेल्स होती है। आप दूर से भी यदि वो एस्टेब्लिशमेंट है तो आप उनके कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हो। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनको एनएपीएस पोर्टल पे वो लगातार काम करते हैं, एनएपीएस पोर्टल पे वो लॉगिन करते रहते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट अप्लीकेशन लगाता है वो भी एनएपीएस पोर्टल के थ्रू लगता है, इनविटेशन आता है वो भी एनएपीएस पोर्टल के थ्रू आता है, जो आपका एआईटीटी का सर्टिफिकेट है वो भी एनएपीएस पोर्टल के थ्रू ही आता है। तो लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि खुद साइन नहीं करके या तो अपने रिलेटिव से दोस्त से साइन करवाते हैं, जो कंप्यूटर या मोबाइल का जानकार है, या ई मित्र पे जाके साइन करवाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को स्टेटस का पता नहीं होता है। जब तक आपको स्टेटस का पता नहीं होगा तब तक आप ये चीज़ इंश्योर नहीं कर पाओगे कि आप एनएपीएस कैटेगरी में हो या नॉन एनएपीएस कैटेगरी में। अब आपको स्टेटस चेक करने के लिए करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो एनएपीएस पोर्टल बना हुआ है, www.apprenticeshipindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आप मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर में कहीं भी ओपन कर सकते हो। इसमें ओपन आप करोगे तो राइट साइड में ऊपर की साइड में जो मेन्यू बार दिया हो इसमें आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है।
उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट को आपको सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट पे क्लिक करने पे दो ऑप्शन आपको आएंगे, आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट पे करना है क्योंकि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ हुआ है। उसके बाद में आपको अपने जो वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको इसमें फिल करनी है। उसके बाद जो जैसे कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद में नीचे जो सबमिट का बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, ओटीपी आपको उसमें डालने, ओटीपी वेरीफाई होते ही आप अपने जो एनएपीएस पोर्टल है उसमें लॉगिन हो जाओगे। सबसे पहले राइट साइड में ऊपर ही ऊपर आपको अपनी फोटो देखने को मिलेगी, लेफ्ट साइड में न्यू मेन्यू बार देखने को मिल जाएगा, बीच में आपको आइकन्स है वो देखने को मिलेंगे जिसमें प्रोफाइल है, बैंक डिटेल्स है, आजकल तो बेनिफिशियरी आईडी स्टेटस का भी एक आइकन है यहाँ पे आ गया, इन्विटेशन का है, एप्लीकेशन का है, वहीं पर आपको बीच में कॉन्टेक्ट का भी देखने को मिल जाएगा। यदि आपने जितनी भी एप्लीकेशन लगा रखी है तो उसका स्टेटस क्या है वो भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। कई कैंडिडेट कहते हैं कि सर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट कैसे निकाले, हम हमारा सिलेक्शन हो गया तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट इसमें ही जाके आपको निकालना होगा। इसी प्रकार से कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट जनरेट पहले से हुआ हुआ है तो आप यहाँ पे स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। नीचे आपकी जो केवाईसी की डिटेल्स है वो दी हुई है, कौन सी केवाईसी कितने तरीके, क्योंकि आजकल तो 100% सभी कैंडिडेट की केवाईसी हो गई है, उसके बिना तो कॉन्टैक्ट वो जनरेट ही नहीं होता। आपको कॉन्टैक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट का स्टेटस है वो दिखाई दे देगा, जिसमें आपको यहाँ पे समरी में भी आपका स्टेटस है वो चेक हो जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है तो वो चीज मैं बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दो प्रकार के कॉन्टेक्ट है वो ओपन करके दिखा देता हूँ अपने कंप्यूटर में। एक एनएपीएस कॉन्टेक्ट है, दूसरा नॉन एनएपीएस कॉन्टेक्ट है। दोनों में आपको क्या चीजें चेक करनी है, यदि आपका कॉन्टेक्ट की स्टेटस नॉन एनएपीएस यहाँ पे दिखा रखा है तो आपको स्टाइपेंड का पेमेंट है वो सारा कंपनी ही करेगी, डीबीटी का कोई पैसा नहीं आएगा। यदि आपके एनएपीएस दिखा रखा है और एनएपीएस दिखाने के बावजूद यदि आपकी जो स्टाइपेंड के रेट जो उस कॉन्ट्रैक्ट में दिखा रहे कि उतना पेमेंट यदि एस्टेब्लिशमेंट कर रही तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो स्टाइपेंड के रेट कंपनी ने डाल रखी है उससे कम पेमेंट करेगी, यानी 1500 रुपये कट के यदि आप क्या रहे हैं स्टाइपेंड के रेट से तो फिर कंपनी है उसका पेमेंट करेगी। कंपनी जैसी एनएपीएस पोर्टल के थ्रू आपको पेमेंट करती है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यदि आपकी सारी केवाईसी वगैरह जो बैंक आधार सीडिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो उसमें कोई एरर नहीं है तो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट ऐसी भी है जो कि कैंडिडेट को पेमेंट काट के करती है, लेकिन वो करती क्या है कि जो पेमेंट है वो एनएपीएस पोर्टल के थ्रू नहीं करके और जो खुद का पेमेंट गेटवे या बैंक के माध्यम से चेक के माध्यम से पेमेंट करती है तो इस प्रकार का पेमेंट है वो कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। कैंडिडेट अपने एस्टेब्लिशमेंट इस बारे में खुल के बात कर ले कि सर आप हमें डीबीटी का लाभ दे रहे हो तो हमें एनएपीएस पोर्टल के थ्रू ही आप पेमेंट करो ताकि हमारा पैसा है वो हमें मिल जाए और हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यदि आप नॉन एनएपीएस सॉरी यदि आप किसी ऐसे गेटवे का यूज करते हो जिससे डीबीटी के पैसे आने में समस्या हो तो आप हमें पूरा पेमेंट है वो करें। यहाँ पे सीधी सी कॉन्सेप्ट है कि गाइडलाइंस में स्पष्ट किया हुआ है कि एनएपीएस पोर्टल के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट यदि आपको पेमेंट करती है तो ही डीबीटी का पैसा आपको मिलेगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इस बारे में आप एस्टेब्लिशमेंट से जरूर चर्चा कर ले कि वो आपको किस मोड में पेमेंट कर रही है। उसके बाद जो नॉन एनएपीएस कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो पेमेंट मिलना ही नहीं है, उनको तो सारा पेमेंट है वो एक साथ ही वहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं दोनों कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस पे और मैं बताऊंगा कि क्या क्या जानकारी कैंडिडेट को देखनी है। दोनों प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो आप देख रहे हो फॉर्मेट ये दिया हुआ है जो डीबीटी कॉन्टैक्ट है यानी एनएपीएस कॉन्टैक्ट है, इसमें सबसे पहले आपको ऊपर इसके नंबर देखने को मिल जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है मॉडल कॉन्टैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर मेजर एंड माइनर अप्रेंटिस। यहाँ पे आपके सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसकी डिटेल आएगी, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल आएगी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी आएगी। आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप इनके ऊपर कर सकते हो। फिर आपका नाम आएगा, इसमें आप अपना नाम वगैरह चेक कर लोगे, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आपको मिलना नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने आईएएस डाली है आईटीआई एनसीबीटी की आएगी। फिर आपने कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से चेक कर लो। उसके बाद में कब से लेकर कब तक आपकी ट्रेनिंग होगी वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी है। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होगी, यदि कोई कैंडिडेट नॉन आईटीआई पास आउट है तो उनके लिए यहाँ पे जो बेसिक ट्रेनिंग है उसकी डिटेल्स भी आएगी। उसके बाद ट्रेनिंग के लोकेशंस कहाँ है, ये कौन से जिले में और कौन से लोकेशन पे स्थित है, ये जानकारी आपको देखने को मिल जाए। कॉन्ट्रैक्ट है किस डेट को जारी हुआ, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि 14 दिन का टाइम ही आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मिलता है। नीचे फिर दिया हुआ है आपको इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑप्टिंग फॉर बेनिफिट अंडर एनएपीएस, यानी क्या एस्टेब्लिशमेंट एनएपीएस का लाभ लेने का ऑप्शन चूज कर रही है। तो यहाँ पे
मेन डिफरेंस यहीं पे कैंडिडेट को देखना है। यदि यहाँ पे येस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्टैक्ट है वो NEPS कॉन्टैक्ट है, आपको DPT का पैसा यहाँ पे मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यदि आपकी एस्टैब्लिशमेंट है वो NEPS पोर्टल का जो गेटवे बना हुआ है उसके माध्यम से पेमेंट करती है, तो यदि पेमेंट ऑनलाइन अदर मोड में यदि पेमेंट करती है तो फिर आपकी ये समस्या आ सकती है। तो ये आपको सबसे पहले तो यही कन्फर्म करना है कि यहाँ पे येस लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर DBT केसेस पार्शियल स्टाइपेंड सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर NEPS विल बी लिमिटेड टू 25% ऑफ द स्टाइपेंड पेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ RS यहाँ पे 1500 पर मंथ पर अप्रेंटिस ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड, यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड के आपको 25% मैक्सिमम 1500 रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा यदि आपको NEPS कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है। तो नीचे मंथली स्टाइपेंड है उसकी डिटेल दिए, नीचे एक नोट और दिया फॉर नॉन DBT केसेज फुल स्टाइपेंड विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे नो लिखा हुआ है यस की जगह, तो आपको सारा पेमेंट है वो एस्टैब्लिशमेंट ही पेड करेगी। तो ये ध्यान रखो जिस कैंडिडेट का पेमेंट कट के आ रहा है, यदि उसका कॉन्ट्रैक्ट है नॉन DBT यानी नॉन NEPS कॉन्ट्रैक्ट, तो अपने एस्टैब्लिशमेंट से संपर्क करें तुरंत, उनको कहेगी नहीं सर मेरा पूरा पेमेंट है आप पेड करो क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रखा है नॉन NEPS का कर रखा है। नीचे फिर मंथली स्टाइपेंड का अमाउंट आपको देखने को मिल जाए, इसमें जो है NEPS कॉन्ट्रैक्ट तो पहले साल में आपको कितना मिलेगा यहाँ पे टोटल स्टाइपेंड है वो यहाँ पे आएगा। आगे दो कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे ब्रेकअप ऑफ टोटल स्टाइपेंड इन RS, तो इसमें एम्प्लॉयर का शेयर तो कितना आएगा, यानी किसी कैंडिडेट को मान लो 6000 रुपये पेड हो रहे हैं तो एम्प्लॉयर का यहाँ पे कितना आएगा, तो 4500 रुपये यहाँ पे एम्प्लॉयर का आएगा। आगे वाला जो कॉलम है 25% जो कि मैक्सिमम 1500 है तो 1500 रुपये यहाँ आएंगे। 6000 से ऊपर चाहे आपको 7000 पेमेंट मिलता है, चाहे 8 मिले चाहे 9 मिले, आपको 1500 रुपये ही मैक्सिमम मिलेंगे यहाँ पे बाइफ्रिकेशन ब्रेकअप दोनों का दिया हुआ आपको मिल जाएगा। इसी चीज से चीज कन्फर्म हो जाएगी कि आपका पेमेंट है वो DBT के माध्यम से आएगा। यदि यहाँ पे नॉन DBT कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा नॉन NEPS, तो आपको यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है वहीं आपको 1700 रुपये या जो भी 8000 रुपये वहीं आपको देखने को मिलेगा। अगले वाले कॉलम में आपको ये चीज है जीरो देखने को मिल जाएगी। नीचे फिर आपके सिग्नेचर वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे, फॉर ऑफिस यूज ओनली आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन से संबंधित यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी दी है जो कि भी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, किस प्रकार से आपको सिग्नेचर करने है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हो। यदि आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ के जाते हो तो इसमें सारी चीज लिखी है कि कैंडिडेट है उसको जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो वापस पेड करनी पड़ेगी, तो ये सारी जानकारी आपको दे रखी है। और किसी प्रकार का स्टाइपेंड में आपका जो ये कैजुअल लीव मेडिकल लीव जो अदर चीज़ है उसका पेमेंट आप नहीं काट सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी हुई, ये चीज़ों का सारा पता कैंडिडेट को होना जरूरी है ताकि कैंडिडेट को पता चल जाए कि क्या स्टाइपेंड का पेमेंट है वो हर महीने के 10 तारीख से पहले पहले होना जरूरी है। ये भी चीज़ थोड़ा ध्यान रखे कि स्टाइपेंड का पेमेंट है वो 10 तारीख से पहले पहले होगा तो आपका जो पेमेंट है वो आपको जल्दी से पेड है वो आपका पेमेंट है वो आपके खाते में आ जाएगा। आगे वहाँ लिखा है कन्वेंट एंड कंडीशन स्पेसिफिकेशन, तो NEPS स्कीम, तो इसके NEPS स्कीम के दो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस है, ये दी हुई है, अनेक दो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका NEPS कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है। तो दोस्तों ये तो NEPS कॉन्ट्रैक्ट की मैंने इंपॉर्टेंट सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है, इसलिए सारा ये डाउनलोड करके आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नॉन NEPS कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहाँ पे अपना पहले पेज में यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे जो नीचे नीचे ऊपर वाली डिटेल सब आपको सेम देखने को मिलेगी। 13 नंबर का पॉइंट है इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑप्टिंग फॉर बेनिफिट अंडर NEPS, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आएगा, और जैसे यहाँ पे नो लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब ये होगा सारा पेमेंट आपको एम्प्लॉयर करेगा। नीचे 14 नंबर पॉइंट आप देखोगे मंथली स्टाइपेंड अमाउंट, तो इसमें जो पेमेंट है वो आपको एम्प्लॉयर के हिस्से में 1700 रुपये देखने को मिलेंगे, जो आगे का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है वो यहाँ पे जीरो देखने को मिलेगा, यानी आपको सारा पेमेंट एस्टैब्लिशमेंट ही करेगी। तो आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज ही चेक कर ले, सारे कैंडिडेट अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर ले, उसके बाद उनके पेमेंट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या उनका पैसा कट रहा है या DBT से नहीं आ रहा है तो अपने एस्टैब्लिशमेंट से आप संपर्क करें और समाधान करवाने का पूरा प्रयास करें। दोस्तों NETS पोर्टल पर भी आप जाके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट वीडियो, हालांकि वीडियो लंबा जरूर हो गया लेकिन इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सारी जानकारी वो आपको मिल जाए, और कैंडिडेट को यदि कॉन्ट्रैक्ट संबंधित जानकारी का पूरा नॉलेज होगा तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट वाले उन कैंडिडेट्स को परेशान नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें हर चीज़ का नॉलेज है, वो एस्टैब्लिशमेंट से उस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के सामने अपनी बात है वो रख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना, धन्यवाद।